करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित चार प्रमुख विधेयकों को अपनी सहमति दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को आतंकवादियों के रूप में व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार देता है। यदि कोई व्यक्ति आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में संलिप्त है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या अन्यथा आतंकवाद में शामिल होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 पर भी अपनी मोहर लगा दी है। इस पर इसका उद्देश्य चिकित्सा के शिक्षा में क्षेत्र में बड़े सुधारों की शुरुआत करना है और करीब 63 साल पुराने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की ये जगह लेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति ने मजदूरी संहिता 2019 को भी अपनी सहमति दे दी है। ये विधेयक कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों को संशोधन करने के साथ में जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ने निरसन और संशोधन अधिनियम 2019 को भी अपनी मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह